सय्यद एजाज यांचा MIM पक्षामध्ये जाहीर प्रवेश. नायगाव तालुक्याचे युवा नेतृत्व सय्यद एजाज यांचा दिनांक 2 ऑक्टोबर रोजी MIM चे तालुका अध्यक्ष रफिक पठाण यांच्या हस्ते जाहीर प्रवेश करण्यात आलाय. सय्यद एजाज हे नायगाव विधानसभेचे प्रमुख दावेदार आहेत. MIM पक्षाकडून एजाज भाई यांना उमेदवारी मिळण्याचे संकेत असल्यामुळे नायगाव विधानसभेच्या निवडणुकीत चांगलीच रंगत येणार आहे. यावेळी सय्यद एजाज यांनी आपण लोकांच्या आग्रहाखातर निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले. यावेळी जावेद कुरेशी, तौकीर रजा शेख अहमद, कलीम पटेल, माजिद भाई शेख आजम, इरफान टिपू, रफिक पटेल, रबानी बागवान मिर्झा, सरफराज शेख, फिरोज लाला, आरिफ बागवान नरसिकर, शेख अलीम, नरजी साहब, शफीक अरबाज साहब, शेख युनुस फरदीन, कुरेशी लाला, कुरेशी पाशा, भाई मांजरमकर, दादाराव पाटील रोडे, कलीम बागवान, मोहिन मांजरमकर, शेख अहमद, शेख हमजा शेख, आंतिक शेख, गुरुसाहेब शाहजू शेख, कुंचोलीकर. हमारे फिरोज लाला जोर से, हमारे फिरोज लाला साहब मराठवाड़ा सदर, उन्होंने थोड़ा इलेक्शन में बिजी थे, मेरे को जिम्मेदारी दी है कि सय्यद एजाज इनका प्रवेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कर लो, उनके मुझे इजाज़त दी है उनके हुकुम से, उनकी बोलने पे मैं इनको आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में प्रवेश करा रहा हूँ. इंशाल्लाह उन्होंने यहाँ के उम्मीदवार इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दावेदार है और उन्होंने आज प्रवेश किए. प्रवेश करने के बाद इंशाल्लाह इनको उम्मीदवारी देने की हम सिफारिश करेंगे. प्रवेश हो गए हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हम उनके लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. रहमतुल्लाहि वबरकातुहु. आज नायगांव उमरी धर्मबाद के इच्छुक उम्मीदवार सय्यद एजाज साहब, इनकी अली जनाब मराठवाड़ा सदर फिरोजाला साहब की हिदायत पर नायगांव के तालुका सदर पठान रफीक खान की मौजूदगी में सय्यद एजाज साहब का प्रवेश हुआ और नायगांव उमरी धर्मबाद के इच्छुक उम्मीदवार सय्यद एजाज साहब को नायगांव में लाने की मतलब उम्मीदवारी देने की गुजारिश करता हूँ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आज हेलो, आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला के मौजूदगी में, उन्होंने नायगांव तालुका सदर रफीक खान पठान को हुक्म दिए कि नायगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नायगांव के एक युवा चेहरे सय्यद एजाज को जाहिर प्रवेश दो करके, तो मैं उनके हाथ से जाहिर प्रवेश कर लिया हूँ इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में. मैं मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन आवेजी साहब के क़यादत में मैं कल हैदराबाद गया था, साहब से मुलाकात करा, साहब ने भी मेरे को बात बोल दी है और लोगों की इच्छा है नायगांव उमरी धर्माबाद के कि मुस्लिम उम्मीदवार बोल के मेरा नाम सय्यद एजाज का बोल के लोगों की ख्वाहिश है, उसके लिए युवा चेहरा है बोल के मैं कोशिश कर रहा हूँ. बस बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, हमारे मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला साहब और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय खासदार इम्तियाज जलील साहब के हुकुम से इंशाल्लाह कोशिश से, इम्तियाज जलील साहब ने जो कोशिश करे, मराठवाड़ा सदर साहब ने जो बोले, तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर होंगी. इतनी मैं बस गुजारिश करता हूँ.